अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX Mentor। मैं आपका टीचर इमरान, और आज मैं आप लोगों को लोगो बना के दिखाने वाला हूँ उस ब्रांड का जिसका हमने माइंड मैप बनाया था, यानी विशटैंक का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो ये माइंड मैप आप लोगों को याद होगा जो हमने बनाया था, और ये एक कॉन्सेप्ट था ये वाला, जिसका मैं सोच रहा था कि लोगो का कॉन्सेप्ट अच्छा है, एंड उसी को मज़ीद मैंने कुछ और स्केचेस किए थे। ये एक है, एंड आई डोंट नो किस हद तक सही लगता है, लेट्स सी, बना के देखते हैं इसको। दूसरी बात कि नीचे अगर आप देखें तो ये विश टैंक वगैरह जो लिखा हुआ है, ये बस मैं ऐसे ही फारिग बैठा होता हूँ तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि स्क्रिप्ट टाइप का फॉन्ट अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज हमारा जो जॉनरा है लोगों का वो है कार्टूनिश, एंड कार्टूनिश फॉन्ट ज़्यादा बेहतर लगेगा इसमें। नाउ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि देखिए, आप जब भी कोई लोगो बनाएं तो उसको आप इलस्ट्रेटर में बनाएं या कॉरल ड्रॉ में बनाएं या जो भी वेक्टर ड्राइंग का सॉफ्टवेयर होता है उसमें बनाइएगा। नंबर वन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्यों? क्योंकि फ़ोटोशॉप में लोगो बनाना हम कतई तौर पर आपको रिकमेंड नहीं कर सकता मैं तो, क्योंकि होता ही है कि देखिए लोगो डिफरेंट साइजेस में आता है। ये भी एक बहुत ज़्यादा सवाल किया जा रहा है मुझसे कि सर लोगो का साइज़ क्या रखा जाए। कोई साइज़ नहीं होता फिक्स्ड, सही है। सो बिज़नेस कार्ड पर आएगा तो बहुत छोटा सा आएगा, और अगर बड़े से बिलबोर्ड पर आएगा तो बहुत बड़ा सा आएगा। तो एक ऐसी चीज़ है लोगो जिसको हम कभी भी रिसाइज कर सकते हैं, एंड देन अगर वो रास्टर बना हुआ यानी फ़ोटोशॉप पे हुआ तो वो रिसाइजिंग की कैपेबिलिटीज़ नहीं रहती हमारे पास, सही है। तो आइए इलस्ट्रेटर में मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो वो जो मैंने स्केच किया था वो मैं अपने इलस्ट्रेटर में लेकर आ रहा हूँ, एंड दिस लेट्स एम्बेड। नाउ इस दौरान जिस दौरान मैं ये बना रहा हूँगा हो सकता है मैं बहुत हल्के हल्के बोल रहा हूँ, एंड आई होप आप लोगों को आवाज़ सही से आ रही होगी। मैंने बाय द वे माइक्रोफोन भी चेंज कर दिया है ताकि ये, असल में ये माइक्रोफोन इसलिए लिया है कि यार मेरे ज़रा करीब रहेगा तो मुझे ज़्यादा लाउडली चिल्लाना नहीं पड़ेगा। बड़ा अजीब सा होता था, बोल बोल के थक जाता था, वो माइक पहले यहाँ रखा होता था। एनीवेज, सो यस, ये है जो कॉन्सेप्ट, जो कि बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एंड लेट्स सी, मैं बहुत जल्दी से आप लोगों के सामने ये बना रहा हूँ। एंड बाय द वे, अगर आप लोग भी बनाना चाहें तो प्रैक्टिस के लिए तो हाँ सही है, ये वाला लोगो बना लें, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा कि कोई फर्जी कंपनी का नाम सोच लें, एंड उसी पर रहते हुए आप अपना माइंड मैप बनाएं और उसी का लोगो बनाएं, सही है। सो विशटैंक का बनाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ मैंने ख़ुद बना दिया है, तो फिर आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनीवेज, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये एक्चुअली आउटलाइन से ही हम बना लेंगे, लाइक स्ट्रोक से, एंड लेट्स सी क्या बनता है। ओप्स, गुड। नाउ इसको अगर मैं स्ट्रोक थोड़ा सा राउंडेड कर लूँ तो थोड़ा सा क्यूट लगने लग जाता है। याद रखें, देखें जो कार्टूनिश ऑब्जेक्ट्स होते हैं या चीज़ें होती हैं या कैरेक्टर्स होते हैं उनमें बहुत शार्प एजेस अच्छे नहीं लगते, तो दैट्स व्हाई मैंने सोच रहा हूँ कि इसको राउंडेड ही रखूँ। एंड रही बात यहाँ पर पाइप की, तो इसी से बना के देख लेते हैं। मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, एंड रिफ्लेक्ट, यस, नहीं यार ये स्ट्रेट रहे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, लाइक दिस, एंड यस। सो एक बात हमेशा याद रखें, मैं, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपना लोगो स्टार्टिंग में ब्लैक से बनाऊं और बाद में उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि जी कलर्स वगैरह क्या आने हैं। दूसरी बात, ब्लैक से बनाने में ये होता है कि आप बिल्कुल फ्लैट लोगो बना रहे हो, तो हमारे पास ऑप्शन ये अच्छा रह जाता है कि अगर हमें वन कलर का भी लोगो बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं इजीली। एक बात और हमेशा याद रखें कि जब भी आप लोगो बना रहे हों और आपको लगे कि जी एक प्रोग्रेस आपकी अच्छी हो चुकी है तो उसकी एक कॉपी ले लें मज़ीद चेंज करने से पहले,
ठीक है, मैं इन स्ट्रोक्स को आउटलाइन कर रहा हूँ. मतलब देखिए, आउटलाइन स्ट्रोक करने का फ़ायदा ये होता है कि स्ट्रोक यूजुअली रिसाइज नहीं हो रहे होते, सही है. अगर मैं छोटा करूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली ये बहुत बुरा लगेगा. सो लेट्स जस्ट डू वन थिंग, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ एंड आउटलाइन स्ट्रोक, और अब ये आपकी पाथ में कन्वर्ट हो चुका है, दैट मीन्स के शेप में कन्वर्ट हो चुका है, दैट मीन्स के ये रिसाइज ईजिली किया जा सकता है. ओके, एंड अगेन मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ और मैं इस सब को पाथफाइंडर से आके मर्ज कर रहा हूँ. एंड 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 कलर इसमें थोड़ा सा लाइम ग्रीन टाइप का मैं दे रहा हूँ. यस, क्यूट. इसके गिर्द मुझे एक ब्लैक स्ट्रोक चाहिए. नाउ ब्लैक स्ट्रोक भी आप दे सकते हैं. मैं यूजुअली इसको ऑफसेट पाथ के थ्रू दे रहा हूँ और यूजुअली देता हूँ इसी तरह, एंड आई थिंक इतना काफ़ी है. एक और चीज़ के ऑफसेट पाथ में, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जॉइंट्स जो हैं मीटर बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं. मैं इसको राउंडेड कर रहा हूँ, सही है. सो ये थोड़ा सा राउंडेड सा आ जाएगा और ज़्यादा क्यूट लगेगा, एंड इसको मैं कर रहा हूँ ब्लैक. दैट्स इट. इसके अंदर मैं सेल शेडिंग देना चाह रहा हूँ. नाउ सेल शेडिंग क्या होती है, जो कि कार्टून्स में आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल फ्लैट किस्म की शेडिंग और हाईलाइट्स आ रही होती है. सो मैं इसको तो हटा रहा हूँ बिकॉज इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. सेल शेडिंग के लिए मैं एक कुछ एरिया डिफाइन कर रहा हूँ लाइक दिस, यानी इससे नीचे वाला पार्ट पूरा जो है वो हमारा डार्क होगा, ठीक है. एंड लेट्स जस्ट डू वन थिंग, के स्ट्रोक का कलर मैं डिफरेंट कर रहा हूँ ताकि नज़र आता रहे. एंड यप, इसको थोड़ा सा यहाँ से उठा रहा हूँ और यहाँ से इसको ये उला रहा हूँ. यस, आई थिंक दिस इज गुड. इन दोनों को सेलेक्ट करके तो शेप बिल्डर से इतना उड़ा देते हैं, ठीक है. ये वाला पार्ट जो है मैं ला के वापस इस पर रख रहा हूँ. अगेन मैं कॉपी ले लेता हूँ पूरी ताकि मैं डिफरेंस सामने देखता रहूँ, ठीक है. एंड इसके ऊपर ही ला करके रख दिया. याद रहे कि हमारे स्मार्ट गाइड्स ऑन हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है कि वो फ़ौरन ही स्नैप कर जाता है शेप के ऊपर. सो यस, दिस इज़ गुड. आई थिंक इतनी शेडिंग काफ़ी है. ये बड़ा स्मूसा शेप आया है जो कि आई थिंक अच्छा लग रहा है. नाउ यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी हाईलाइट आए. हाईलाइट के लिए मैं कुछ भी नहीं, एक सिंपल सी वाइट लाइन बना रहा हूँ लाइक दिस, और ऑब्वियसली इसको हमें थोड़ा सा थिक करना होगा. प्लस स्ट्रोक में जा करके मैं इसके कॉर्नर्स राउंड कर रहा हूँ और यहाँ नीचे से इसको थिन यानी पतला करना होगा. तो ये जो टूल है आपका विड्थ टूल, इसके थ्रू, ठीक है. ये बहुत बुरा लग रहा है. ओके, सो यस, दिस इज इट. ये एक इस जगह पर मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा शेडो और आ जाए. सी, देखें, कोई फिक्स्ड टूल नहीं होता किसी काम के लिए. जैसे ये इरेज़र है, इरेज़र के अंदर यहाँ पर ये नाइफ़ होती है. मैं ये नाइफ़ ले रहा हूँ और मैं इतना हिस्सा काट रहा हूँ लाइक दिस, एंड इसमें मैं ये वाला कलर पिक कर रहा हूँ और इसको ज़रा यहाँ रख के देखें. ये कॉर्नर बहुत ज़्यादा शार्प हो गया है, इसको थोड़ा सा ही राउंड कर देते हैं.
I think this is perfect. Okay, now ye to ho gaya mera done. Now ek cheez aur ki ye jo stroke hai isko main convert kar raha hu outline mein, yani outline stroke, taki hum agar resize kare to koi problem na ho. Ek achhi baat ye hai ki isko usi waqt resize karke dekh liya kare jo bhi aap design kar rahe ho, taki aapko ye pata chal jaye ki jo chhota size hone mein kuch masla to nahi aa raha, kuch bura to nahi lag raha. I think mujhe isko jo stroke hai iska aur bada karna hoga. थोड़ा सा करके देख लेते हैं. यप, प्लस इसको थोड़ा सा मैं यहां अंदर की तरफ ला रहा हूं. एंड वाओ, दिस इज गुड, दिस इज गुड. ऑलराइट, इसको मैं जल्दी से आउटलाइन स्ट्रोक कर रहा हूं. दैट्स इट. नाउ मैं इस पर एक नया आर्टबोर्ड बना रहा हूं ताकि अब मैं वहां पे काम कर सकूं. एंड इसको उठा करके आना. यस, ग्रुप जरूर कर लिया ताकि ये सारी चीजें अपने साथ साथ रहे. नाउ इसके नीचे मुझे लिखना है नाम विश टैंक ग्रीटिंग्स. सही है. सो जल्दी से विश टैंक ग्रीटिंग्स बाद में डालते हैं, पहले विश टैंक को फाइनलाइज कर लेते हैं. और जैसे मैंने कहा था कि एक कार्टूनिश सा फॉन्ट मुझे चाहिए. एक बात याद रखें कि मैं यूजुअली जब नाम टाइप कर रहा होता हूँ तो टाइटल केस जैसे होता है, लाइक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल एंड बाकी स्मॉल रख रहा होता हूँ. इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें अगर बाद में चेंज करना हो कि कैपिटल, तो वो किया जा सकता है. आप सिंपली कंट्रोल टी कर रहे तो ये आपके सामने टाइप का या कैरेक्टर का पैनल आ जाता है. यहाँ से आप जा करके इसको कैपिटल या स्मॉल आप ईजीली कर सकते हैं. ठीक है. एनीवेज, फॉन्ट के लिए मैं एक वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ एंड दिस इज़ abstractfonts.com. पहले भी बता चुका हूँ. एंड यहाँ पर आप ज़रा टाइप कर लें विश टैंक स्मॉल में एंड विश टैंक कैपिटल में. ठीक है. जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर आपके सारे प्रीव्यूज आना शुरू हो जाएंगे एंड आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा फॉन्ट आपको चाहिए, किस तरह का आपको चाहिए. सो मुझे कार्टूनिश सा चाहिए था. यहाँ ऊपर अगर आप देखें तो कैटेगरीज दी हुई हैं. कैटेगरीज में ये रहा कार्टून. एंड लेट्स सी कि कौन सा फॉन्ट मैं इंटरेस्टेड हूँ. नाउ मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा फॉन्ट हो जो कि थोड़ा सा हाथ से लिखा हुआ हो, थोड़ा रफ सा हो, बट येट थोड़ा क्यूट कार्टूनिश लुक दे रहा हो. ठीक है. बहुत ज़्यादा रफ इस तरह का मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए. एंड लेट्स सी, मुझे ये कुछ बेहतर लग रहा है. आई डोंट नो किस हद तक अच्छा लगेगा ये, बट यस डाउनलोड कर लेते हैं. एंड वाओ, इसका नाम भी बड़ा मजे का, LOL रेगुलर. एंड लेट्स सी और कौन सा फॉन्ट अच्छा लगता है, तो वो भी डाउनलोड कर लेंगे. ये भी अच्छा लग रहा है, बट देन ये आउटलाइन है और आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, मुझे फिल्ड चाहिए. ये भी अच्छा लग रहा है लेकिन कुछ ज़्यादा रफ है. ओके, नेक्स्ट पेज. यस, दिस इज गुड. मुझे ये अच्छा लग रहा है एंड ये भी अच्छा है. आई डोंट नो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है. सो दोनों सेम ही है, बस ये सेरिफ है और ये सन सेरिफ कैटेगरी में आ रहा है. दोनों सेम. डाउनलोड कर लेते हैं, अलग ही यार. ओके, हैप्पी सेरिफ एंड हैप्पी सेंस. गुड यार. ऑलराइट, लेट्स जस्ट इंस्टॉल दीज फॉन्ट्स. सिंपली ये रहा TTF, यहाँ से इंस्टॉल. देन इसको बंद करते हैं. ये सेरिफ, हैप्पी सेरिफ. नाम याद रखिएगा बिकॉज आपको सेलेक्ट करने में ज़रा आसानी रहेगी. एक और चीज़ याद रखें कि मैं यूजुअली पर प्रोजेक्ट फॉन्ट इंस्टॉल कर रहा होता हूँ और उसके बाद अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, बिकॉज जितने ज़्यादा फॉन्ट्स आप इंस्टॉल करेंगे उतना ज़्यादा आपकी रैम ऑक्यूपाई होती जाती है. ठीक है जी. दैट्स इट, ये हो गए हमारे फॉन्ट्स. एंड लेट्स गेट बैक टू इलस्ट्रेटर. एक तो था LOL. ठीक है जी, इसको मैं अभी साथ साथ रखता जा रहा हूँ, नॉट श्योर कि अच्छा लगेगा या नहीं. दूसरा था हमारा हैप्पी सेंस और तीसरा था हमारा
P serif. Okay. Now, अब जरा अगर हम देखें तो कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? यार, I think ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है. And अगर मैं इसको पूरा capital कर दूँ और ये कर दूँ. What if मैं WB small कर दूँ? मतलब caps lock off and wish tank. Yeah, this is quite friendly, yaar. Bada acha sa lag raha hai. Okay, main isi ka ek pura capital version bhi saath rakh ke dekh leta hu ki kaun sa zyada behtar lagta hai. Okay, isko main band kar raha hu. Let's see kaun sa acha lag raha hai. Now, ek aur cheez ke yaar ye naam aur icon का जो डिफरेंस है ये थोड़ा सा ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा बिकॉज़ मैं नाम बड़ा रखना चाह रहा हूँ और आइकन छोटा. आई थिंक यार ये अच्छा लग रहा है ज़्यादा. ओके सो Wishtank, अब नीचे मुझे चाहिए इसकी ग्रीटिंग्स एंड इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ. ग्रीटिंग्स के लिए जो फॉन्ट है मैं चाह रहा हूँ कि डिसेंट सा हो, इस तरह का फॉन्ट कतई तौर पर ना हो. हैप्पी सेरिफ बिल्कुल नहीं रखूँगा. प्लस ये मैं ऑफ कर रहा हूँ ऑल कैप्स. मैं ले रहा हूँ वर्डाना, सिंपल सा फॉन्ट. This is good. And Verdana का अगर मैं bold ले लूँ and थोड़ा सा छोटा करके इसकी मैं tracking बढ़ा रहा हूँ. So tracking से फ़ायदा ये होता है कि देखें spaces बढ़ रही हैं लेकिन हम font को stretch नहीं कर रहे हैं. ठीक है, यार बड़ा mechanical सा लग रहा है. इसकी एक copy ले रहा हूँ मैं. greetings का font कुछ और रख के देते हैं. And Brandon. Yeah, this is nice, but ये बहुत छोटा हो रहा है. Futura, heavy, bold, medium. यार ये मेरा favorite font है, Futura. याद रखें मैं जब भी रिसाइज कर रहा होता हूँ टेक्स्ट को शिफ्ट ज़रूर दबा दिया करें प्लीज़. यप, आई एम डन. सो अब जब ये आपका ये कंप्लीट हो जाए तो प्लीज़ फॉन्ट्स को क्रिएट आउटलाइन ज़रूर कर दें ताकि किसी और कंप्यूटर पे अगर हम खोलें तो प्रॉब्लम ना हो. जहाँ पर ये फॉन्ट्स नहीं होंगे वहाँ पर भी ये सही खुलेगा. इन सबको मैं सेंटर अलाइन कर रहा हूँ एंड यप दैट्स इट. एक और पेज मैं ले रहा हूँ मतलब आर्टबोर्ड एंड मैं इस पूरे को उठाकर यहाँ रख रहा हूँ. ना एक चीज़ छोटी सी ये ज़रूर चेक कर लिया करें कि अगर आप फॉन्ट्स आई मीन या जो लोगो अगर आप रिसाइज करें तो नज़र आ रहा है कि नहीं. सी दिस, दिस इज़ गुड कि ये बहुत ही छोटे साइज पर भी बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है. एटलीस्ट हाँ आई नो ग्रीटिंग्स नहीं दिख रहा है लेकिन Wishtank ज़रूर दिख रहा है. हमारा आइकन ज़रूर दिख रहा है. जिस साइज़ पर भी आप इसको रख लें दिस इज़ गुड. अच्छा ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन है एंड या इसी सिंपल डिज़ाइन को मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा रहा हूँ कि अगर मैं मुझे ये डार्क बैकग्राउंड पर रखना हो तो कैसा लगेगा. सो लेट्स मेक अ डार्क बैकग्राउंड. डार्क बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, मतलब ग्रे भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है. नाउ इसको मैं इस पार्ट को खाली लॉक कर रहा हूँ. ऑब्जेक्ट में जा कर के लॉक एंड सेलेक्शन या कंट्रोल टू प्रेस कर दिया करें. ठीक है नाउ इसको मैं डबल क्लिक करके इसका कलर लाइट ग्रे रख रहा हूँ. वाओ. एंड सिमिलरली ये जो हमारी स्ट्रोक है इसका कलर भी मैं यही कर. ओ नहीं 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 नहीं
बहुत बुरा लग रहा है, इसको हमें थोड़ा सा डार्क रखना होगा, या ओवरऑल इसको हटा ही दें, हटा दें तो कैसा लगेगा? नहीं नहीं डार्क ग्रे रहने दें इसको, एंड ये जरा सा डिसेंट लगेगा. ऑलराइट, गुड, आई थिंक दिस इज गुड, दिस इज गुड, हम सही जा रहे हैं. नाउ एक और वर्जन मैं बनाना चाह रहा हूँ जो कि हमारा लोगो का वन कलर वर्जन होगा, और वन कलर वर्जन से मुराद कि अगर हम ये सारी डिटेल्स हटा दें तो क्या रिजल्ट आने वाला है. मैं ये सब चीज़ें हटा रहा हूँ बिकॉज नाउ इसको रहने देते हैं, इसको हटा दें और ओके सो इसको और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ. यप, अगर वाइट पे वन कलर से डालना है तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है, और अगर डार्क पे वन कलर से डालना है, ये वाला बॉक्स मैंने अनलिंक कर दिया और ये लाके यहाँ रख दिया. सो नॉट बैड. अच्छा एक चीज़ और कर देते हैं, ये जो डिज़ाइन है हमारा इसमें से मैं इसको माइनस कर देता हूँ. लेट्स सी क्या होता है रिजल्ट, इसको हटाएं यहाँ से एंड सी चेक दिस. यप दिस इज़ नाइस, इन्वर्स है एंड टोटली वन कलर है. अगर आप लाइट कलर भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, डार्क कलर भी रखना चाहें तो रख सकते हैं. ये ख्याल रहे कि मैंने इसका स्ट्रोक और ये सारी डिटेल्स हटा दी थी, सही है. सो आई बिलीव ये अच्छा लग रहा है इवन वन कलर के ऑप्शन में भी, और डार्क बैकग्राउंड पर अगर आएगा तो इस तरह से आएगा, वाइट बैकग्राउंड पे आएगा तो इस तरह से आएगा. आई होप कि ये अच्छा बन गया. ऑलराइट, सो एक चीज़ आप लोगों ने नोट की, मैंने बहुत जल्दी से बनाया, क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ें सोच चुका था. ये वाला लोगो मैं एक बार बना के भी देख चुका हूँ, इसलिए मुझे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा. दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहें तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा विशटैंक ना बनाएं यार, ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, एवरीवन नोज कि ये इस तरह से बनेगा, ठीक है. आप या तो इसी का दूसरा कोई ऑप्शन बना सकते हैं, और या तो फिर आप ये कर सकते हैं कि खुद से कोई फर्जी कंपनी का नाम, फर्जी होना चाहिए, एग्जिस्टिंग ना हो, कोशिश करें खुद से कोई नाम सेलेक्ट करें और उसका एक लोगो बनाएं, वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान रहेगा. और अगर आप फेसबुक ग्रुप के ऊपर, कम्युनिटी ग्रुप के ऊपर अपलोड करना चाहें तो मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों ने लाजमी उसकी पूरी पेपर वर्क्स साथ अपलोड करने हैं, अदरवाइज़ आप लोगों का लोगो एक्सेप्ट नहीं होगा वहाँ पे. पेपर वर्क्स में आपका पूरा माइंड मैप भी हो सकता है, आपकी स्केचेस हो सकते हैं और आपका लोगो डिज़ाइन हो सकता है. सो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो. थैंक यू.